आई हूँ आपके लिए अपना नया वीडियो, जिसमें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी फ्रिल वाली साड़ी जो कि मैंने घर पे ही तैयार किया है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो फ्रेंड्स ये रही मेरी साड़ी, और ये मैंने ग्रे कलर के फैब्रिक पर बनाया, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही प्रिटी है और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारा है, और ये इसका फैब्रिक जो है थोड़ा मजबूत है। और जब भी फ्रेंड्स अगर आप फ्रिल वाली साड़ी के लिए फैब्रिक ले रहे हैं तो हमेशा थोड़े मजबूत फैब्रिक ही चूज़ करें, क्योंकि हमारा प्लीट पार्ट जो होता है वहाँ पे फ्रिल की वजह से साड़ी थोड़ी हैवी हो जाती है, तो वो थोड़ा रिस्की होता है पहनने में। तो इसके लिए अगर आप फ्रिल वाली साड़ी बना रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा मजबूत फैब्रिक लें, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिया है ग्रे कलर में। और फ्रेंड्स ये मुझे पड़ा करीब 60 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से, और करीब मैंने 8 से 9 मीटर ही फैब्रिक लिया था, क्योंकि तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि फ्रिल वाली साड़ी बनाने में कितना फैब्रिक लगेगा। ये मेरी पहली साड़ी है जो मैंने फुल फ्रिल वाली साड़ी बनाई है, और इसे बनाने मुझे काफ़ी टाइम भी लगा था। काफ़ी बार मैंने इसे रफली स्टिच किया, फिर उसे रिमूव किया, फिर स्टिच किया, फिर रिमूव किया, कई बार ट्राई करते करते फिर जाके परफेक्ट बन गई, और बनने के बाद ये काफ़ी प्रीटी लगती है पहनने पर। तो चलिए मैं इसको पूरा दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मेरा। तो इसके लिए मैंने इस कलर की लेस ली है, सिल्वर कलर में है थोड़ा, और सिल्वर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है इसमें, और ये बहुत ही प्रीटी लगता है साड़ी के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा मेरे साड़ी का प्लेट पार्ट, ये देखिए ये यहाँ से लेकर ये इतना साड़ी का मेरे प्लेट पार्ट है, और उसके बाद ये रहा हमारा पल्लू पार्ट। तो साड़ी मेरी पूरे 5 मीटर की है, जिसमें से 2.5 मीटर में मैंने फ्रिल अटैच किया है और 2.5 मीटर मैंने पल्लू पार्ट के लिए रखा है। तो जो मेरे प्लेट पार्ट वाला उसमें से मैंने ये करीब 1.25 मीटर में मैंने नहीं लगाया, सिर्फ एक लाइन ही लगाई है फ्रिल के जो कि नीचे लगा है, और ये बैक का पार्ट था। उसके अलावा जहाँ से मेरा प्लेट बनना स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर मैंने करीब 2 मीटर 2.25 मीटर तक मैंने पूरा ये फ्रिल अटैच किया है। देखिए देखिए कुल मिला के 2.5 मीटर मेरा जो है पल्लू प्लेट्स का पार्ट है, और उसके अलावा ये मेरा 2.5 मीटर रहा था, ये मेरा पल्लू पार्ट है। और फ्रेंड्स अगर जब भी फ्रिल वाली साड़ी जब भी आप बना रहे हैं तो उसमें फ्रिल जो है हमेशा यहीं तक लगाएं, ये ऊपर के पार्ट में फ्रिल ना लगाएं, क्योंकि हमें जब ऐसे वेयर करना होता है तो एक परफेक्ट लुक देगा। और अगर यहाँ पे आप फ्रिल लगा दे रहे हैं तो वो थोड़ा अनईजी होगा पहनने में, अनकंफर्टेबल होगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। और देख सकते हैं इसका लेस देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, और साड़ी के साथ कंट्रास्ट लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका। इसके साथ आप सिल्वर कलर की बैंगल्स और सिल्वर ईयरिंग के साथ इसको मैच कर सकते हैं। तो ये मेरी साड़ी फ्रेंड, चलिए मैं इसको आपको पहन के दिखा सकती हूँ पहनने में कितना प्रीटी लगता है। और आप भी अगर घर पे ऐसे साड़ियाँ बनाना चाहते हैं तो फैब्रिक ला के घर पे फैंसी साड़ी क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसे साड़ी आप किसी भी पार्टी में या फिर फैमिली फंक्शन में या फिर कहीं भी पहन के जा सकती हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। और बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगेगा कि आपने घर पर तैयार किया है, या फिर आपको थोड़ा लो फील हो या फिर अनईजी फील हो, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं लगेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।